यूपी के इटावा में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे युवकों को सच का सामना इटावा के एसएसपी ने कराया। वहीं आपको बता दें कि नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं से बात भी की और उनके मन में नागरिकता कानून के प्रति जो भेद जाल बुना गया है उसे तोड़ने की पूरी कोशिश भी की। वहीं आपको भी सुनना चाहिए कि इटावा एसएसपी संतोष कुमार मिश्रा ने कैसे संवाद के जरिए प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। देखो इसी तरीके से पुलिस में भर्ती भी होना है, मेहनत भी करनी है, तो कोई भी अफवाह फैलाए, कोई भी गुमराह करने की कोशिश करे कि ये बिल आ गया, वो कानून आ गया जिसमें इनको यहाँ निकाल देंगे वहाँ निकाल देंगे, बिल्कुल अफवाह है, सब झूठ है, इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। ये कानून का सिर्फ एक ही मकसद है, जो भारत के बाहर के लोग हैं, जो भारत के रहने वाले लोग ही नहीं है उनके लिए कानून है, जो भारत के हैं, जो यहीं रह रहे हैं, इटावा में रह रहे हैं, उनको इस कानून से कोई लेना देना है ही नहीं, उनके मतलब का चीज है ही नहीं। और तुमको तो खासकर नहीं घबराना, तुमने नाम बता दिया अपना, मेरे को याद रहेगा, ठीक है।